हर हर महादेव दोस्तों। तो बहुत महीनों बाद आज मैं एक निकला हूँ राइड पर, और ये था पीछे हिल व्यू फैमिली रेस्टोरेंट जो कि है भीमताल के रास्ते पर। और टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ की राइड कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि नाश्ता हमारा हो चुका है। टाइम अभी हो रहा है 11:05। बाकी बातें चलते चलते करते हैं आपसे रास्ते में। तो सुबह मैं निकला था 2:40 पर, लगभग 2:45, और अभी बज गए 11। और सुबह से जो मैं किलोमीटर कवर कर चुका हूँ वो है 304 किलोमीटर। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन होगा स्टे का वो है धारचूला, और धारचूला अभी भी यहाँ से 8 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि 11 बज चुके हैं यहीं पर। मैं सोलो नहीं हूँ, मेरे साथ जो है और भी राइडर हैं, उनसे मैं आगे मिलवाऊंगा। क्या नज़ारा है, बात मुझे लग रहा है बारिश हो रही है, आगे काले बादल हो रहे हैं। रेन कवर तो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन रेन पैंट लाना मैं भूल गया। चलो देखते जो भी होगा, अगर आगे कोई अच्छा बाज़ार होगा, अच्छी जगह आएगी, अल्मोड़ा आएगा तो अल्मोड़ा से लेंगे, अगर टाइम मिल गया तो एक रेन पैंट ले लेंगे। तो भाई ये आ गया भीमताल, और इससे कुछ आगे जाने के बाद आएगा कैची धाम मंदिर। सीधा ये कैची धाम की तरफ, ठीक है भाई साहब। हाँ अच्छा, चलो कोई नहीं, कैची धाम के भी दर्शन हो जाएंगे इस बहाने। ये कैची धाम लिखा हुआ है। ओह अरे यार, जब आए हैं तो फोटो लेना तो बनता है ना। कैसी बात करती यार तूने एंकर यार। तो दोस्तों आप सुन ही रहे होंगे, हमारे पुराने अजीज मित्र लाइन पर है हमारे साथ एंकर। अरे यार 316 किलोमीटर चल गया भाई मैं, 316 सुबह 2:48 पे निकला था घर से मैं। हाँ, और अभी टाइम हो रहा है 11:37। यार ये तो बड़ी झकास चीज़ देखी मैंने। तो ये तो मैं नाला समझ रहा था, ये तो कोई नदी सी है। कितना साफ पानी है इसमें, इसमें तो आराम से नहाना धोना सब कर सकते हैं। मैं तो नाला समझ रहा था इसको, लेकिन ये किसी बरसाती नदी, बरसाती तो नहीं हो सकती, किसी नदी के कटाव से आ रही है ये। इतना साफ पानी एक नाले का हो ही नहीं सकता। मैं पहुंच गया भाई, मैं खो गया भाई। ओहो नीचे वैली, वाह आगे कुछ बोर्ड आ रहा है, उस पर देखता हूँ क्या लिखा है। अरे वाह, अब तो कुछ अच्छे अच्छे से नज़ारे आ रहे हैं। हाँ, नगर निगम परिषद भवाली में आप हार्दिक स्वागत करते हैं। भवाली में एंटर कर गया भाई, अभी आ गए लेफ्ट पर भवाली, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, 53, यही है ना। अबे मुझे पहले ही पता है क्यों यार, तू भी कैसी कैसी बातें करता है यार। खीरा खीरा खाएगा, आगे तो खीरा भी लौकी के बराबर है ना। मैप बंद हो गया, पता नहीं वो, पता नहीं क्या सिग्नल नहीं दिखा रहा, क्या नहीं हो रहा इसको। अल्मोड़ा, बागेश्वर, कैची धाम आना है ना, ये कैची धाम मेरा सीधा, ठीक है कैची धाम सीधा ही आ रहा है। नॉर्मल डाल दो, फुल कर दो। चलो भाई 1090 रुपये का पेट्रोल, इसको करते ट्रिप 2 को 0। तो यानी मेरी 327 किलोमीटर चली है। तो दोस्तों हम पहुंच गए कैची धाम नीम करौली बाबा जी के स्थान पर। ये देखिए इनकी फ़ोटो लगा रखी है होटल पर, जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है।
ये देखिए ये रहे सामने, ये है मंदिर नीम करौली बाबा का कैची धाम। तो अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास, वापसी भी हमारी इसी साइड से होगी शायद, तो आते वक्त देखते हैं। अभी चलते हैं आगे। बहुत भीड़ है भाई। चलो जी, जय बाबा की, हो सका तो वापसी में ज़रूर आएंगे। अबे तो रोड ही ख़राब हो रहा है इतना यार, ये कहीं पे कच्चा कहीं पे पक्का, इतना उबड़ खाबड़ यार। ये इसकी बड़ी दिक्कत है, इसकी हिमालयन की, मैं फर्स्ट में से जैसे ही दूसरे में लाता हूँ ना, ये न्यूट्रल पे अटक जाती है यार। इसमें बड़ा मेरे को, मैं कई बार अटक गया हूँ इसमें कई बार। मैं जो सडनली एकदम से जैसे फर्स्ट में से सेकंड में लाना होता है ना, फट से न्यूट्रल में अटक जाएगी और मैं घूम घूम ऐसे हो जाएगी बाइक। मैंने सर्विस सेंटर वालों को ही बोला था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं उसको। अब की बार जाऊंगा ना सर्विस कराने, तब बताऊंगा उनको, मतलब प्रॉब्लम बताऊंगा, वो बताऊंगा नहीं। अच्छा, रास्ता आ चुका है लैंडस्लाइड जोन, फटाफट निकलो यहाँ से, जो कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए भाई। नीचे पुल है और पुल पे लोग पिकनिक मना रहे हैं और पानी बड़ा स्वच्छ स्वच्छ सा लग रहा है मेरे को भाई। मेरे हो रहा सर दर्द, ठीक है, और मैं रुक गया हूँ भाई चाय पीने के लिए। चाय पीते हैं यहाँ पे शाम जलपान ग्रह पे, और चाय वाय पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते हैं यहाँ से। चाय मिलेगी? चाय चाय मिलेगी? हाँ चाय पिला दो। कौन सी जगह ये? खैरना। खैरना, अच्छा। और अल्मोड़ा कितना किलोमीटर है यहाँ से? 32 किलोमीटर है। तो जी यहाँ पे हमने पी ली चाय और आलू प्याज की खाई पकौड़ी, जैसे यहाँ पकौड़े होते हैं यहाँ पे छोटी छोटी पकौड़ी होती है, वो खा लिया। और अब चलते हैं अपने दोस्तों के पास। जगह का नाम है खैरना। तो जी एक ये कट आ गया है जो, अरे बाप रे, ये तो आगे बहुत काले बादल है, ये तो मुश्किल कर देंगे। लेफ्ट में जा रहा रानीखेत, सीधा अल्मोड़ा कर्णप्रयाग 201 किलोमीटर, और हमें जाना है इस रूट पे। अल्मोड़ा 33, पिथौरागढ़ 148, अस्कोट 200, धारचूला है 240, धारचूला 240। और नीचे बह रही है कोई नदी हमारे साथ, जिसका मुझे नाम अभी पता नहीं है। लैंडस्लाइड जोन, ओ भाई साहब, यहाँ तो रोड ही गायब हो गया आधे से ज़्यादा। देखिए लिखा भी है, आगे पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक देखकर चलें। ठीक है जी, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अरे वाह, नदी बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर। अजब देखो नज़ारा, जब से अल्मोड़ा वाला बोर्ड निकला है खैरना पार करने के बाद, रोड एकदम मक्खन हो गई है। छोटी है रोड, लेकिन रोड बहुत प्यारी है। जितनी ख़राब थी पीछे, उतनी सही रोड अब आ गई है आगे। और ये सारा लैंडस्लाइड जोन है। अरे अरे, मेरे बूंद पड़ी भाई हाथ पर, अगर बारिश आई तो काम ख़राब हो जाना है। सारा लैंडस्लाइड जोन है ये। और अभी तक की जो बाइक की एवरेज निकल के आ रही है, वो आ रही है 30.3 किलोमीटर की, यानी एक लीटर में 30 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। नॉट बैड।
ये देखो क्या बेहतरीन नज़ारा है। ये अल्मोड़ा शहर है पूरा, सामने पहाड़, बादल, बादल के ऊपर बादल, नीचे वैली, कहाँ कहाँ तक घर बना रखे। देखो ये पूरा अल्मोड़ा शहर है, ये इस पहाड़ के पीछे भी है ये। भाई 2:03:12 हो गए हैं और 382 किलोमीटर हमने किया है, पहुँच जाएंगे धारचूला आज। 390 है रे भाई, कितना 170 किलोमीटर ही तो जाना है। पहुंच जाएंगे आज, मना मेरे गोप्रो की हो गई थी बैटरी खत्म, तो मैंने क्या किया, मल्टीपल कनेक्शन वाली केबल मंगाई थी मैंने। एक तरफ USB 2 Type-C है, मतलब दो कनेक्टर एक तरफ, और एक तरफ लाइटनिंग और यूएस वो है टाइप सी। तो Type-C to Type-C दोनों कनेक्शन कर दिया और इसमें लगा दिया गोप्रो में। अब चलते चलते चार्जिंग भी हो रही है। भाई ये तो फुल गुप्त जंगल है, ये डेंस जंगल है पूरा। यहाँ की सड़कें भी इतनी नम है कि ये भी गीली हुई पड़ी है। यहाँ तो थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, स्लिप होने का चांस हो सकते हैं। अभी सारे राइडर एक जगह इकट्ठे हो गए और साथ चल रहे हैं, और अभी जो है धारचूला रह गया है यहाँ से 150 किलोमीटर, 4.5 घंटे का सफ़र है। और ये देखिए पूरा पहाड़, लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। पूरा काटा है या क्या किया है, नीचे आ गया ये। चलो जी 9 बज चुके हैं और हम अभी पिथौरागढ़ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टे पहले से ही बुक है धारचूला में, और डिनर का अरेंजमेंट भी वही है। तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह टाइप का खा लिया है, और कुछ प्रॉब्लम थी परीक्षित भाई जी की बाइक में लाइट की, तो वो सही करवा ली है। और अब निकलना है हमें जंगल से होके बीच से, अभी देखते हैं कि वो हमें आगे जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन बता रहा है 2 घंटे 36 मिनट यानी 2.5 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है, 88 किलोमीटर का। और अभी हम लोग हैं 7 राइडर, बाकी आगे जा चुके हैं, और ये सातों के सातों अब साथ ही चलेंगे। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं धारचूला अपने डेस्टिनेशन तक, फिर आपसे अगर सेफली पहुंच गए तो फिर मिलते हैं आपसे जहाँ पे होटल में रुके हैं। इतने खतरनाक रास्तों पर से जा रहे हैं रात को। अरे अभी तो पीछे रास्ता इतना ख़राब था, नुकीले पत्थर है पूरे, चट्टाने देखो हमारे सर के ऊपर ऊपर आ रही है चट्टाने ऊपर, अंधेरे में तो क्या ही दिखाई देगा। लेकिन रात में आना तो लेकिन रात में आना रिस्की हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जंगल है पूरा। ये देखो अगर सामने दिख रहा हो तो, ये देखो कितने पहाड़ कैसे टूटे हुए, और ये देखो पहाड़ ऊपर पूरा निकला हुआ है। अकेले या दुकेले आना तो रिस्क वाला काम है यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो यहाँ कोई मदद शायद ही बहुत देर में मिले। हम लोग तो 7-8 लोग हैं, बाकी आगे भी हमारे लोग, तो अगर कुछ दिक्कत हुई तो आ जाएंगे। तो रात में अकेले तो क्रॉस मत करना ये रास्ता। देखो हमारे आने से पहले पहले ही बारिश हुई है यहाँ पे, देख रहे हो कितना पानी है रोड पर, रोड पूरे भीगी पड़ी है। अगर अब बारिश हो गई ना, तो जैसे मैंने पहले बताया था सुबह, ये मेरे पास रेन कवर तो है अपर, लेकिन रेन पैंट नहीं है, बाकी टॉप बॉक्स वगैरह तो पानी जाएगा नहीं, उनमें सामान वामान तो नहीं भीगेगा, मैं भीग जाऊंगा नहीं। ये देखो पानी, देखो रोड पे, देख रहे हो टायर में कैसे दिख रहा है पानी। ये और अब रोड पूरा भीगा पड़ा है पानी से, ये देखो
अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है लगता है। चलो शुक्र है हमारे आने से पहले पहले यहाँ बारिश बंद हो गई। बस भोलेनाथ सही सलामत होटल पहुँचवा दे, बारिश मत कराना बस। तो रात के बज रहे हैं 10:13 रात के, और पीछे एक चेक पोस्ट थी जिस वहाँ पर एक सिपाही बैठा था, उसने भी हमें नहीं रोका आगे जाने से, तो इसलिए हम भी आगे बढ़ गए हैं। भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पूरे कीचड़ हुआ पड़ा है, पूरा लैंडस्लाइड। अरे बाप रे, निकाल लो निकाल लो आराम से, मुझे भी नीचे ही जाना पड़ेगा। चलो इजीली निकल गए भाई, पानी में गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी है, समझ नहीं आ रहा। इतना ख़राब रास्ता है पिछले 5 किलोमीटर से, और अभी 15 किलोमीटर और है जहाँ हमें जाना है। ये देखो कितना ख़राब रास्ता है धारचूला का, क्या किया जाए, पिछले 5 किलोमीटर से ऐसी रास्ता है। अभी थोड़ा सही आएगा, ये देखो नुकीले नुकीले पत्थर है, सड़क ही नहीं है, कच्ची मतलब पत्थर है बिल्कुल। अभी थोड़ी सड़क आई है, फिर देखते हैं कितनी दूर तक रहती है सड़क। ये बारिश हो रही है लगता है कि भाई, अभी तो इसमें 14 किलोमीटर दिखा रहा है ये, फोन हटाना पड़ेगा, बारिश आ रही है तेज। तो दोस्तों इस पॉइंट के बाद मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश यहाँ धीरे धीरे बहुत तेज़ होने लग गई थी, तो मुझे अपना गोप्रो और मोबाइल निकाल कर टॉप बॉक्स में रखना पड़ा। क्योंकि मेरे पास रेन पैंट नहीं थी इसलिए मुझे भीगते हुए होटल तक जाना पड़ा, साथ में मेरे दोनों साथी भी भीगते हुए गए थे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में दिखेगा आपको रियल एडवेंचर, वाटर क्रॉसिंग, लैंडस्लाइड, वाटरफॉल, सब कुछ आपको दिखेगा। तो वेट कीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग का मिलते हैं जल्दी।